नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी SS वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा या व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख ही लिया होगा आपने, कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपका SSB की इंटरव्यू, मेरी जो काफ़ी सारी वीडियोज़ की कंपाइलेशन है उसके अंदर ये टॉपिक छूट गया था मेरे से, तो आज मैं सोचा ये कवर कर देता हूँ। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि पिछले टाइम से कुछ मैं बिजी था इसलिए आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा था, पर ऐसा मत सोचिए, वीडियोस की सीरीज कंटिन्यू मैं हमेशा रखूँगा। आप सब लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रह रहा हूँ धीरे धीरे। जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ये मत सोचिए कि मैं उन्हें पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और ट्राई करता हूँ कि वीडियो के मीडियम से मैं उस सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर मैं एक सिंगल रिप्लाई करूँगा एक कमेंट का, एक क्वेश्चन का, तो वो सिर्फ एक पर्सन को जाएगा। मैं सोचता हूँ कि काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके वो वीडियो के मीडियम से क्लियर हो जाए, तो धीरे धीरे करके मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, SRT के ऊपर बात करते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, SRT में आपको कुल 4 फैक्टर्स के ऊपर जज किया जाता है। इन 4 फैक्टर्स के अलावा अगर कोई आपको कहता है कि कोई जज किया जाता है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। सिर्फ यही 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर SRT में आपको जज किया जाता है। सबसे पहले आती है आपकी स्ट्रैटर्जी। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटर्जी का मतलब है कोई भी, अगर आप प्लानिंग करते हैं किसी भी इवेंट की, किसी की भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन लेने के लिए क्या स्ट्रैटर्जी आप बनाते हैं, किस वे में बनाते हैं, क्या टाइम पीरियड रहता है उसका, वो सब चीज़ें स्ट्रैटर्जी के अंदर आती है। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस चीज़ की, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो आती है अंडर स्ट्रैटर्जी। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको अगर एक टास्क दिया गया है तो क्या उस टास्क को आप परफॉर्म करते हैं या इग्नोर कर देते हैं उस टास्क को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आता है। ये जो फैक्टर है दोस्तों, ये बहुत जगह यूज़ होता है, ये टैट में भी यूज़ होता है, वैट में भी यूज़ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कैंडिडेट को हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए, सबके लिए। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर किसी को नहीं करनी चाहिए, अपने ऊपर ही लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आती है अवेयरनेस। ये तो दोस्तों SRT का मेन पार्ट है, अवेयरनेस। कितनी जनरल अवेयरनेस है आपकी, ठीक है, कितना अच्छा आप चीज़ों को अपनी सराउंडिंग से रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक SRT देता हूँ, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताना, पर मेरे आंसर से कुछ अलग आंसर होने चाहिए उसके, जो मैं लास्ट में SRT का आंसर बताऊंगा ना अभी, उस आंसर से आपका रिस्पांस अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, आप एक अलग हो, आपके परसेप्शन का लेवल कुछ अलग है, मेरी परसेप्शन का लेवल कुछ अलग है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको 4 लाख रुपीज़, ठीक है, किसी भी जगह, सपोज करिए आपने गुड़गांव में ट्रांसफ़र करने 4 लाख रुपीज़, ठीक है, आपने दूसरी पार्टी को, आपकी बिजनेस पार्टी है उसको 4 लाख रुपीज़ हैंड ओवर करने, तो आप अब 4 लाख रुपीज़ जब लेके जाएंगे ना गुड़गांव में, सपोज करिए आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही रूट है, और उस रूट में डेकॉइट्स हैं, डाकू हैं, जो 101% आपसे आपके पैसे छीन लेंगे, ठीक है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या रिस्पांस होगा आपका? अब पहला फैक्टर जो इसके अंदर SRT में जज होता है, स्ट्रैटर्जी। क्या स्ट्रैटर्जी आप अपनाएंगे जिससे ऐसा हो जाए कि भाई डायकॉट्स जो है वो मेरे पैसे को हाथ बिना लगा सके, ठीक है, पहले आ गई स्ट्रैटर्जी। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अब रस्ते में आ गए डायकॉट्स, डाकू आ गए, अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के अपनी भाग जाऊंगा, पैसे मुझे हर हालत में वहां पहुंचाने ही पहुंचाने हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक होगी। अब आती है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आप कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे सोल्यूशन देते हैं, वो इस फैक्टर पे जज होता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में कि हम तो पुलिस वाले साथ लेके चले जाएंगे, पुलिस सिक्योरिटी हम साथ लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब इस SRT में अगर मैं एक और ट्विस्ट डाल दूं कि वो जो डाकू हैं वो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, वो हजारों की तादाद में, फिर आप क्या करोगे, ठीक है, और आपको पैसे पहुँचाने ही पहुँचाने। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे भाई कि हम सिक्योरिटी वाले काफ़ी सारा लेके चले जाएंगे, तो फिर देखी जाएगी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है।
और कुछ समझदार लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम इंटरनेट बैंकिंग कर लेंगे, हम नेट बैंकिंग कर लेंगे, हम ट्रांसफ़र करा देंगे अकाउंट में उनके पैसे, ठीक है। और जो समझदार लोग ये सब बातें लिखते हैं SSB में, वही रिकमेंड हो जाते हैं। और बाकी जो बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं पुलिस सिक्योरिटी ले लूँगा मैं, या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स ले जाऊँगा, या फिर गनमैन्स ले जाऊँगा, ठीक है, वो कभी रिकमेंड नहीं होते। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हज़ारों की तादाद में आप जितने मर्जी ले जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नेट बैंकिंग वाला आंसर है, वो परसेप्शन का लेवल है जो कैंडिडेट का, वो ये चारों क्वालिटी शो करता है इनिशिएटिव साथ में। अब इनिशिएटिव क्या है कि भाई इनिशिएट करता है ना, किसी की हेल्प ज़्यादा तो नहीं ले रहा, या किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा, भाई तू मेरी जगह काम करा, ठीक है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो खुद ही इनिशिएटिव लेना है। ये सब चीज़ें चेक होती है SRT में, ठीक है। समझदार रिस्पॉन्सिव लिखिए अपने आंसर्स, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए वो नेचर में, मतलब आप कोरिलेट कर पाओ उसको अपनी सराउंडिंग से, ऐसा ना हो कि वे पॉसिबल ही ना हो आपका सलूशन, ठीक है। जैसे भाई GP में आते हैं लोग, जैसे GP में अगर चल रहा है कि एक टाइगर एक प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं उस टाइगर को मार देते हैं, पर असली में क्या, आप खुद से सोचिए, खुद सोचिए कि आपकी एक टाइगर मार सकते हैं, चाहे आपके पास गन भी हो, और टाइगर मारना तो वैसे ही एक जुर्म है, ठीक है, आपको जेल हो सकती है, नॉन बेलेबल एक्ट है उसके ऊपर, बेल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें SRT में चेक होती है, ध्यान से करिए SRT, कोई भी बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही होंगे ऐसे रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स आपके प्रैक्टिस से ही होंगे। मैं कोई पहले से बचपन से सीख के नहीं आया हूँ, मैंने भी प्रैक्टिस करी ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज की। आप क्या करिए, एक बुक उठाइए कोई भी, उसके सोल्यूशन मत देखिए, एक SRT लिखी, उसके ऊपर कम से कम 3 सोल्यूशन सोचिए, कम से कम 3, फिर एक्सप्लोर करना शुरू हो जाओगे, आपका दिमाग एक्सप्लोर करना चीज़ें शुरू हो जाएगा, अवेयरनेस जो आपकी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जैसे एक बस है, प्राइवेट बस है, उसके अंदर आप जा रहे हैं, तो बस के अंदर उसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, एक तो बस ड्राइवर होगा, सीट्स होंगी उसके अंदर बस के अंदर, ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं, फर्स्ट एड होगा, ठीक है, बस कंडक्टर होगा। अब एक समझदार लोगों को पता होगा कि बस कंडक्टर जो होता है उसको भी बस चलानी आती होती है। एक SRT आ गई, सपोज कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस का ड्राइवर मर गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या बस का ड्राइवर जो है वो काफ़ी बीमार हो गया, तो आप क्या करोगे, हम कहेंगे भाई कंडक्टर आप चला लो बस, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर को भी बस चलानी आती होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे अवेयरनेस से आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नीचे वो जो मैंने आपको SRT दी थी उसका रिस्पॉन्स अपना ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ूंगा, खुशी होगी मुझे अगर आप अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज देंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।